तुम ज्यादा हिम्मत क्या करो, तुम जाओ जाके कॉफी ले आओ मेरे। सॉरी सुरती मैडम, सॉरी। सुरती कौन है? श्रुति नाम है मेरा। ससुरी। क्या बोला? सॉरी सुरती मैडम, सॉरी सॉरी। जाओ जाके कॉफी ले आओ। क्या है? कुछ नहीं, देख रहे थे। पढ़ना आता है? नहीं। तो क्या देख रहे इसमें? चल निकल यहाँ से, निकल। अच्छा कॉफी तो देते जा। अरे कात्या भैया, वो हमारे भैया का देख लीजिएगा जो कुंभ के मेले में पिछड़ गया था। तुरते, अंदर। हाँ भैया, बस 5 मिनट में जाते। कात्या भाई स्पीक, नो हियर, लेट्स मूव, नो डिले। ठीक है। सॉरी बट कल मुझे कहीं और जाना है। कहाँ जाना है? ओ प्लीज मम्मी, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, प्लीज गेट लॉस्ट। करो जो करना है तुम्हें। साइड का ख्याल आए तो ये वीडियो जरूर देखे। आपके माता पिता रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अरे मेरे बच्चे क्यों चला गया तू, क्यों चला गया? अरे फेल हुआ था, कोई बात नहीं, फेल हो गया, साइड क्यों कर लिया मेरे बच्चे, उठ उठ मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, आ मेरा बेटा, चला गया मुझे छोड़ के, मेरा बेटा, मेरा लाल, क्यों चला गया, क्यों चला गया? सोचो आपके पेरेंट्स आपके सामने रो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप बोल रहे मम्मी मैं आऊंगी, मम्मी पापा सुनो मैं हूँ यहाँ पर, मत रो मम्मी मत रो। सुसाइड से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। दिमाग में ऐसा ख्याल आता है तो उसको निकाल के फेंक दीजिए। याद करिए आपके मम्मी का, आपके पापा का, आपके भाई का, आपके बहन का, आपके पत्नी का, आपके बच्चों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके दोस्तों का, आप सबके चेहरा याद करिए कि आपका शरीर वहां पर पड़ा हुआ है, मृत शरीर, उन पर क्या बीत रही है। सोचिए वो लोग क्या कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो लोग आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, आप वहां पर हैं लेकिन वो लोग आपको नहीं सुन सकते हैं। आप कोशिश करते रहेंगे, आप प्रे क्यों नहीं है, भटकते रहेंगे सालों साल आप उनके पीछे लगे रहेंगे, सुनो ना, कोई नहीं सुनेगा, Nobody will listen, क्योंकि आपने शरीर छोड़ दिया। अगेन, बैक टू यू, प्लीज आप बात करिए, हमसे बात करिए, अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आता है प्लीज टॉक टू अस, एक बार सुसाइड करने से पहले आप एक बार बात कर लीजिए हमसे। सुसाइड करने से ऐसा होता है? ये क्या करने जा रही थी मैं? थैंक्स फॉर सेविंग मी गॉड,
थैंक्स फॉर सेविंग मी। मेरी बेटी और चाय तुमने बनाई है? वाह। हाँ मम्मी, और वो भी नहा धोके। मुझे तुम्हारे अंदर ये बदलाव देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मम्मी, मैं मंदिर से आती हूँ। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? श्रुति की कहानी तो आप लोगों ने देख ली, कात्या का क्या हुआ? क्या आप लोग जानना चाहते हैं कात्या के साथ क्या हुआ, उसकी आगे कहानी क्या बढ़ी? तो अगर आप लोग कात्या भाई के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, हरे कृष्ण।